Ladakh, the land of high passes. But for me, it was a land of high surprises. तो IIT रुड़की से लद्दाख तक की शुरुआत हुई सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के थ्रू सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, जिसमें कि वी वर गिवन अ प्रोजेक्ट टू डिजाइन एन अकोमोडेशन फॉर इंडियन आर्मी इन लद्दाख। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इसको लेकर, और दो महीने इस पर काम करके अब हमें अपना डिज़ाइन प्रेजेंट करने जाना था इंडियन आर्मी को इन लद्दाख। द लास्ट डे ऑफ आर मिड टर्म एग्जाम्स, वी वर एग्जॉस्टेड बट एक्साइटेड एज वेल। तो उसी रात को फटाफट पैकिंग करके हम लोग निकल पड़े दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। नेक्स्ट डे 5 AM मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी लद्दाख को, जो कि 1.5 घंटे की होनी चाहिए थी, बट पायलट तो अलग ही मूड में था, उसने हमें 1 घंटे से पहले ही पहुंचा दिया। लव एट फर्स्ट साइड जैसी भी कोई चीज़ होती है, वो फ्लाइट विंडो से लद्दाख की पहली झलक देखते ही रियलाइज हुआ। एयरपोर्ट से उतरते ही हम लोग चाह रहे थे उस मोमेंट को कैप्चर करना, बट वहाँ की सिक्योरिटी ने हमारे फ़ोन छीन लिए, तो मोमेंट कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पाया, बट दिल में अभी तक है। आफ्टर दैट हम लोग इंडियन आर्मी की बस में बैठ के उनके ट्रांजिट कैंप पर गए, जहाँ हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए टू रेस्ट थ्रू आउट द डे, क्योंकि लद्दाख में स्टे करने के लिए बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एक्लेमेटाइज होने में। तो उस दिन हम लोगों ने बस खाना खाया और सोते रहे। नेक्स्ट डे हमें आर्मी बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी, जिसमें कि कर्नल, मेजर, कैप्टन मौजूद थे। तो ये देख के तो आधे लोगों की वैसे ही, बट एवरीथिंग वेंट फाइन, सब ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी एंड वी हैड अ ग्रुप फोटो टुगेदर, जो कि थोड़ी ब्लर करनी पड़ेगी ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। अब इसके बाद सारी टेंशन खत्म और हम लोग फ्री थे कहीं भी जाने को। इस ट्रैवल का इंटेंशन ये था कि हम लोग लद्दाख के कल्चर, वहाँ के आर्किटेक्चर, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को प्रैक्टिकली समझें, जो कि कुछ हद तक हुआ भी, बट देर इज़ लॉट मोर टू दिस। प्रेजेंटेशंस के बाद हम लोग गए ले मार्केट, जो कि एक यूरोपियन स्ट्रीट जैसी वाइब दे रहा था। ले मार्केट से हमने लद्दाख से रिलेटेड कुछ आइटम्स खरीदे, लोगों से बातचीत की, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ के लोग बहुत ही स्वीट। हमने सोचा था कुछ मोनेस्ट्रीज, कुछ पैलेसेस देखते हैं, तो हम लोग गए थिक्से मोनेस्ट्री, जो कि फेमस है वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टैचू ऑफ मैत्रेय बुद्धा, एंड हियर यू कैन सी व्हाई। वहीं पे हम कुछ देर बैठे एक मॉन्क के साथ, जिन्होंने हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई गौतम बुद्धा की। फिर हम गए रैंचो स्कूल। 3 डेट्स के एंड में जो स्कूल था ना, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज कॉल्ड ड्रक वाइट स्कूल। वहाँ उन्होंने 3 डेट्स की थीम को लेके कुछ डिज़ाइन किया है, जहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया एंड फोटोज क्लिक करी। देन लंच करके हम लोग चले शे पैलेस को। शे पैलेस के टॉप पे जाने के लिए चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ से लद्दाख का एक बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। इसके बाद इवनिंग में हम लोग आर्मी के साथ गए हॉल ऑफ फेम, जहाँ हमें इंडियन आर्मी के वॉर ऑपरेशंस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। द वे इंडियन आर्मी डेमोंस्ट्रेटेड ऑल दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ फिल्म, लिटरली टेयर्स वर फॉलिंग और गूज़बम्स आ गए थे यार। पैंगोंग लेक लद्दाख की जान है, तो वहाँ जाना तो बनता था। लेह से पैंगोंग का रास्ता लगभग 5 घंटे का है, तो पूरा दिन पैंगोंग के लिए डिवोटेड था, एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज वर्थ इट। पैंगोंग के रास्ते पर हम पहुंचे चांगला पास, जहां चारों तरफ बर्फ पड़ी थी और हम लोग करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर थे, तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, बट वो नज़ारा तो देखना बनता था। पैंगोंग पहुंच के आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट जो कुछ भी मैंने सुना था पैंगोंग के बारे में, आई फेल्ट एवरी वर्ड वॉज करेक्ट। करीब आधे घंटे तक आई वॉज सिंपली लाइंग डाउन ऑन द शोर। उस मोमेंट पे आई फेल्ट कनेक्टेड विद द नेचर। ना तो आगे बढ़ना था, ना कुछ कैप्चर करना था, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे एंड फील एवरी सेकेंड ऑफ इट। हमारा आखिरी दिन था लद्दाख में, तो उस दिन कहीं भागने की जल्दी नहीं थी। आर्मी ने जिस तरह से हमारा ख्याल रखा था, उस लाड प्यार की आदत नहीं है हमें हॉस्टल में। इतना कंफर्टेबल स्टे, इतना टेस्टी खाना, इतनी फैसिलिटीज़ और इतने अच्छे लोग। जितना भी टाइम हम उनके साथ रहे, उससे इंडियन आर्मी के लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ गई। आज के दिन कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये देखना है, वो देखना है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग आराम से रेडी हुए और चले स्टोक पैलेस को। वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग एक सर्कल में बैठे प्रोफेसर के साथ। मैम के साथ उस दिन इतनी बातें हुई जो कि 4 साल में कभी ना हुई हो। वहाँ गप्पे मारते हुए कब 2-3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। देन लंच करके हम लोग गए शांति स्टूपा। शांति स्टूपा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सनसेट का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। हमने कुछ फोटोज क्लिक की, कुछ वीडियोज बनाई, बट हाँ, शांति स्टूपा में सब कुछ था सिवाय शांति के। शाम हो चुकी थी और ले मार्केट पास ही था, तो हम लोग मार्केट गए कुछ शॉपिंग करने, अपने लिए, घर के लिए, हॉस्टल के लिए। देन वहीं रुक के डिनर भी किया। लाइक लद्दाख की थुपा वॉज फैब। तो लास्ट नाइट थी हमारी लद्दाख में।
सब थोड़े नॉस्टैल्जिक थे, किसी को जाने का मन नहीं था। उस रात मुझे याद नहीं कि हम सोए भी या नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, रात भर बैठ के बातें की, हॉरर स्टोरी सुनाई एक दूसरे को, मूवीज देखी, स्टैंड अप शोज देखे, बस चाह रहे थे कि यार ये रात जल्दी ख़त्म ना हो। तो वापस जाने का दिन आ गया था, पर कोई बेड से उतरने को तैयार नहीं था। वापस से सामान पैक करने का मन नहीं था किसी का भी, बट हाँ जाना पड़ा। इस पूरे सफ़र में आई नो हमने लद्दाख की बहुत सी जगह मिस कर दी, जैसे कि नुब्रा वैली, संगम, मैग्नेटिक हिल, और भी बहुत कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड रह गया। बट स्टिल जितना कुछ भी एक्सप्लोर किया ना, वो बहुत ही कम्प्लीट, बहुत ही सैटिस्फाइंग है, जो कि हमेशा यादगार रहेगा। लद्दाख की ये ट्रिप एंड दिस वीडियो विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी। और इन केस अगर फिर कभी मौका मिले ना, तो आएंगे ज़रूर।